Hello, good morning, my dear student. How are you? I hope you are very good, fit and fine. Today we are going to starting a workbook solution of chapter number 15, Environmental Science. Here the name of our chapter is Making Ports. Okay, so let's start without wasting our time. We have to start this question number one. Choose the correct alternative from beta. यहाँ पे ये जो question, ये जो paper है ना, ये जो book, इसके अंदर chapter number 15 आपका fun with clay रखा गया है, but actual our chapter is Making Ports. तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने मेकिंग पोर्ट्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है. रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस वी हैव टू कट आउट, ओके. और यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी हम चेंज करते हुए चलेंगे एज पर अवर मेकिंग पोर्ट्स चैप्टर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक एमसीक्यू. व्हाट डिड स्पैरो टेल. यहाँ पे कुथिम्बू है, तो कुथिम्बू हमारे चैप्टर के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पे स्पैरो मान के चले गए कुथिम्बू को. ओके, सो व्हाट डिड कुथिम्बू टेल द क्रो टू डू बिफोर ईटिंग. सो हियर स्पैरो टेल द क्रो टू डू वॉज इज डर्टी बीक. ऑप्शन नंबर सी. वेयर डिड द क्रो गो फॉर वाटर. सो क्रो गो फॉर वाटर एट द रिवर. ओके, सो वेल को कट करके हमें रिवर लिखना है. ऑप्शन नंबर ए. व्हाट डिड द पॉटर टेल द क्रो टू ब्रिंग टू मेक द पॉटर क्ले. सो ऑप्शन नंबर बी. व्हाट डिड द क्रो गो टू टेक फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ. सो दैट सिकल, जिससे कि हम क्ले पिट में से क्ले निकाल सके, इसलिए सिकल की जरूरत होती है. मैंने पिक्चर भी ड्रॉ कर दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, दैट इज अ पिक्चर ऑफ सिकल. ओके, ऑप्शन नंबर डी. नाउ व्हाट डिड द क्ले पिट गिव टू द क्रो. सो क्ले पिट क्या देता है, दैट इज क्ले. ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज फिल्ड इन अ क्ले पॉट इन योर हाउस. तो हमारे घर के अंदर जो पॉट होता है, जो क्ले से बनता है, उसमें हम क्या फिल करते हैं, दैट वाटर. ऑप्शन नंबर बी. फिर इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद द एप्रोप्राइट वर्ड्स. हमें जो प्रॉपर वर्ड है वो सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है. सो फर्स्ट वन तो हमारे चैप्टर में है ही नहीं. सेकंड वन, द क्रो सॉ अ स्पैरो इन द जंगल. नाउ द कुथिम्बू की जगह स्पैरो लेना है. द स्पैरो आस्क्ड द क्रो टू वॉश इट्स बीक. नाउ थर्ड वन, द क्रो वेंट टू द ब्लैकस्मिथ टू गेट अ सिकल. नाउ सिक्स्थ वन, द रिवर आस्क्ड द क्रो फॉर अ पॉट टू फिल वाटर. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, पुट mark in the from the statement true and false. Now the crow saw the sparrow. Yes, it is correct. The crow at the sparrow with his dirty beak. No sparrow here. Crow cannot at here sparrow. Okay, now the river told the crow to bring a bucket for water. It is true. The river told the crow to bring a bucket of water. No, यहाँ पे रिवर क्या कहती है, आप क्या लेके आओ, आपको लेके आना है पॉट. ओके, बकेट लाने के लिए नहीं कहती. सो दैट इज इनकरेक्ट. द फोर्थ वन, द क्रो टुक सॉइल फ्रॉम द क्ले पिट एंड वेंट टू द पॉटर. यस, अ पॉटर मेक्स पॉट एंड मैनी एंड अदर थिंग्स क्लो फ्रॉम थिंग्स फ्रॉम क्ले. यस इट इज. द ब्लैक स्मिथ गे अ सिकल टू द क्रो इन एक्सचेंज फॉर मनी. ना, कोई पैसे नहीं देता. सो सिक्स्थ वन, दैट इज इनकरेक्ट, फॉल्स. नाउ मैच द फॉलोइंग. हियर रिवर का होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर. यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से पर्सन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं. तो रिवर के अंदर वाटर का यूज़ करते हैं. ब्लैक स्मिथ किसका यूज़ करता है, सिकल बनाता है ना. वाटर क्या बनाता है, पॉट बनाता है. क्ले पिट के अंदर क्या होती है, दैट क्ले. ओके, सो दिस यू हैव टू राइट. नाउ सेकंड वन हमें ये बताना है, सेकंड यहाँ पे मैथ द फॉलोइंग के अंदर, कि कौन से पर्सन कौन से टूल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो वो किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं. जैसे कि ब्लैक स्मिथ है, जो लुहार है, वो क्या यूज़ करता है, एनविल का यूज़ करता है. मैंने पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है एनविल का, आप देख सकते हो यहाँ पे, इट्स अ पिक्चर ऑफ एनविल. ओके, ये जो मैंने पिक्चर बनाया है ना, इसे हम एनविल का पिक्चर कहते हैं. ओके, देन सेकंड वन, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ एनविल. फिर सेकंड, कारपेंटर किसका यूज़ करता है, कारपेंटर्स प्लेन का यूज़ करता है. देन पोर्टर किसका यूज़ करता है, पोर्टर्स व्हील. गोल गोल राउंड घुमा के वो पोर्ट बनाते हैं ना, सो दैट पोर्टर, जिसे हम कहते हैं पोर्टर्स व्हील. एंड देन मैसन, जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं उनकी ट्रोवेल का. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, answer the following questions in one and two sentences. What did the crow want to eat? The crow wanted to eat the sparrow's eggs. Now what did the river say when the crow asked for a water? So when crow asked for a water to wash his beak, the river said first get pot and then fill it with water. Now where did the crow go for the river? So from the river, crow went to the water for the pot. Okay,
Now, why did the crow ask blacksmith for a sickle? So, crow asked the blacksmith for a sickle to dig out some clay from the clay pit. Now, fifth one is, we cannot be told this because this is not in our chapter. Now, sixth one, why did the crow go to the blacksmith? So, the crow go to the blacksmith for the sickle. Now, which craftsmen are there in your village? So, in my village, there is a carpenter, potters, tailors, masons, sweeps, sweepers, etc. persons are there in my village. Now, eighth one, where did the crow go after getting clay from the clay pit? So, when the crow gets the clay from the clay pit, he went to the potter for the preparation to make a pot, so it can be easily filled with water. Now, what things did the potter needed? So, potter needed a clay, water, and wind to make the pot. Now, are the utensils made of clay in your house? Which are these? So, yes, utensils, the pot, salope lamp, pan, lamps, and then bird bath tube, etc. are made up of from clay. Are there in my house? If someone gives you clay, will you able to make some utensils from it? No, I will not be able to make utensils from it because I don't know how to prepare these different types of utensils with the help of clay. Now, have you ever seen bricks or pots being baked in a kiln? No, I have not seen bricks or pots being baked in a kiln. Now, answer the following in briefly. So, why did the crow need a pot? The crow needed the pot, so that he can easily fill with water and then use that water to wash his beak. Okay. Now, who all helped the crow to make the pot? The blacksmith, the clay pit, and the potter. That all the persons are helped the crow to make his pot. Now, long ago, when people did not have any pots, what does those do? Those people have to do. So, when people did not have any pots, they used leaves and empty coconuts and pumpkin shells to hold some things and water. Now, imagine one day all the pots disappear from the world. What will happen in your house? So, we eat in a pot, store everything in pots, carry everything in pots, etc. If pots disappear, so our life will be in a trouble. Okay, so this is all about the workbook solution of this making pots. Now, we are going to ending here. Bye bye, take care.